सो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपनी चैनल टॉप शेयर पुणे में। आज हम डिस्कस करने वाले मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड, इस स्टॉक के अंदर आज के दिन 6% की तेजी देखने को मिल रही है और ये स्टॉक 13.5 रुपए से भी ऊपर की तेजी दिखा चुका है। स्टॉक करंट लेवल पर 243.50 रुपए पर ट्रेड कर रहा है। हम इस वीडियो में ये डिस्कस करने वाले हैं कि इस स्टॉक में फ्यूचर में क्या टारगेट बनते हुए नजर आ रहे हैं और हमें स्टॉप लॉस कहाँ पर ट्रेड करके रखना चाहिए। स्टॉक का चार्ट पैटर्न देखें तो इस स्टॉक का जो नीचे का सपोर्ट लेवल है वो 196 रुपीज पर है। 196 रुपीज पर इस पॉइंट पर स्टॉक का एक सपोर्ट लेवल है जहां पर स्टॉक ने डबल बॉटम बनाया है और यहां से स्टॉक के अंदर एक रिवर्सल ट्रेंड आता हुआ नजर आ रहा है। ऊपर में स्टॉक ने एक हाई बनाया है 288 रुपीज का, जहां से देखें तो ऊपरी लेवल पर स्टॉक ऑलरेडी पहले ही करेक्ट हो चुका था और नीचे में जब 183 रुपीज के प्राइस को रिटेस्ट करने के बाद स्टॉक में एक जंप देखने को मिला। स्टॉक काफी टाइम से देखें तो अभी एक रेंज बोन में ट्रेड कर रहेगा जहां पर स्टॉक नीचे में 183 रुपीज के प्राइस को ब्रेकआउट नहीं दे रहा था, ब्रेक डाउन नहीं पर कर रहा था। ऊपर में स्टॉक में जो रुकावट रेंज है वो 260 रुपीज पर बन चुका है। अगर स्टॉक जब तक 260 रुपीज के प्राइस को ब्रेकआउट देकर ऊपर एक क्लोजिंग नहीं बना लेता, जब तक स्टॉक के अंदर एक बड़ी तेजी देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि स्टॉक ने पीछे भी 260 रुपीज के प्राइस को रिटेस्ट किया है। और नीचे में अगर हम स्टॉक का सपोर्ट लेवल बात करें शॉर्ट टर्म के लिए तो वो 225 रुपीज पर है। 225 रुपीज इस पॉइंट पर स्टॉक में एक स्टॉप लॉस ट्रेड कर सकते हैं। अगर स्टॉक इस प्राइस को ब्रेक डाउन देता है तो वहां पर स्टॉक के अंदर एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है, पर जब तक स्टॉक इस प्राइस से ऊपर है स्टॉक के अंदर एक तेजी का मोमेंटम देखने को मिलेगा। और दूसरी बात ये भी ध्यान देने वाली है कि स्टॉक का वॉल्यूम एवरेज देखें तो नॉर्मल दिनों से ज्यादा स्टॉक में तेजी देखने को मिल रही है, यानी स्टॉक की लिक्विडिटी। और जब जब स्टॉक के अंदर लिक्विडिटी तेजी देखने को मिली है, जब जब स्टॉक के प्राइस में एक बड़ी तेजी आती हुई नजर आई, तो अगर आपके पास ये स्टॉक है तो एक स्टॉप लॉस के साथ पोजीशन लें। ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें।